Hello everyone, welcome to the session, and I'm hoping that you are preparing well for CAT 23. So today we are going to discuss CAT 22 log problem, log question. Very unfortunately, ये question log का आया था, वो भी इसमें भी inequality and all का use है, so direct log का तो question नहीं बोल सकते, हाँ लेकिन log है उसमें, so we मतलब 90% बोलेंगे log और कुछ बोलेंगे inequality, मतलब दोनों का mixture करके question बनाया गया है, तो discuss करते हैं. और slot 1, slot 2, slot 3, no log question, no log question, only one log question, so एक log question वो भी slot 2 में और वो भी pure log के question नहीं. तो बढ़ते हैं, solve करते हैं. जो एक question है, the number of distinct integer value of n satisfies 4 minus log n to the base 2, 3 minus log n to the base 4 less than equal to 0. Theta question है, तो इसलिए थोड़ा सा question difficult हो जाता है theta से. और range हमको बताना है, distinct integer कितने value satisfy करेंगे n का. ठीक है, तो solve करते हैं इसको. तो we have 4 minus log 2 n to the base 2 minus 3 log n to the base 4 less than 0. Okay? अब देखो, यहाँ पे log n to the base 2 है, यहाँ पे log n to the base 4 है. So, इसको हम log n to the base 2 कर सकते हैं, ये वाले term को definitely कर सकते हैं. तो करते हैं उसको. उसका same करने का मेरा नियम ये है कि मैं फिर ना log n to the base 2 का कुछ वेरिएबल अज्यूम कर लूंगा, लेट्स सपोज x, इसलिए मैं फिर सो दैट कि मेरा कैलकुलेशन पार्ट ना फिर इजी हो जाए, इसलिए मैं इक्वल मतलब एक टाइप का करने का सोचा. तो 3 minus 1 by 2 log n to the base 2, क्लियर है ना ये कैसे लिखा. ओके, तो अज्यूम कर लेते हैं कि log n to the base 2 x है, तो v है, ये हो गया less than 0. 4 minus x 3 minus x by 2 less than 0. अब देखो, inequality का एक ये रहता है कि जो denominator में है ये जब positive है तभी हम इसको cross multiply कर सकते हैं. मतलब कहने का sense ये है कि ये term जब positive होगा देन ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, अदरवाइज नहीं कर सकते. और यहाँ पे वी डोंट नो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सो हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम पॉजिटिव बनाएंगे. पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये जो 4 माइनस एक्स है, 3 माइनस एक्स बाई 2 है, अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दूं तो ये ऑलवेज जो है वो पर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा. दोनों तरफ मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 माइनस एक्स बाई 2, 3 माइनस एक्स बाई 2 लेस देन 0, ये अब मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर में हो गया. अब कोई भी टर्म स्क्वायर में हो सो तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव तो कभी आ नहीं सकता. तो नाउ वी कैन अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं. सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इधर, ये जीरो है सो बिकम जीरो. सो वी 4 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स बाई 2 लेस देन 0. आई होप ये आपको क्लियर होगा. सॉल्व करते हैं इसको. 4 माइनस एक्स इंटू 3 6 माइनस एक्स बाई 2 लेस देन 0. 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. We have 4 minus x into 6 minus x less than 0. So x minus 4 into x minus 6 less than 0. Number line पे represent करते हैं. ये कितना होगा? 6, 4, positive, negative, positive. ये inequality का सारे concept है. So अगर आपको inequality नहीं पता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब इनइक्वालिटी पढ़ोगे तो ये सभी चीजें आपको समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे लेस देन है मतलब 4 से 6 का रेंज होगा, जो x का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 4 और लेस देन 6. अब हमने x इक्वल टू लॉग n टू द बेस 2 अज्यूम किया था, वैल्यू पुट करते हैं, लॉग
एन टू द बेस 2 6 उड़ाने वाला प्रॉपर्टी दोनों साइड, तो 2 का पावर 4 लेस देन एन, देखो ग्रेटर देन एन लेस देन 2 का पावर 6, मतलब 16 ग्रेटर देन एन लेस देन 64। सो एन का वैल्यू 16 से ग्रेटर और 64 से लेस होगा, और इंटीजर बोला है तो क्या होगा, एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 17 और लेस देन इक्वल टू 63। ठीक है, ये रेंज आया एन का, बट वी हैव टू मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो कितना हो गया, और टीटा में क्वेश्चन है तो 63, मतलब हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर एन के सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब ये हो गया 46 और +1 मतलब 47, 47 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। ये +1 इसलिए किया कि ये इंक्लूसिव है, तो यहाँ पे हम +1 करते हैं क्योंकि एक टर्म नहीं काउंट होता है। अगर आप मैनुअली इसको 17 से 63 काउंट करो, 47 आ जाएगा, 47 ही आएगा, आ नहीं जाएगा, 47 ही आएगा। तो इसका आंसर हो गया 47। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। प्योर लॉग के क्वेश्चन नहीं थे, लॉग प्लस इनइक्वालिटी का मिक्सचर था ये क्वेश्चन, और वेरी अनफॉर्चुनेट है कि लॉग जैसा टॉपिक से क्वेश्चन टेट 22 में नहीं आया। दिस इज नॉट अ गुड थिंग्स, ओके, बट क्या कर सकते हैं, टेट अपने हिसाब से करता है, पेपर सेटर जो है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के सॉल्यूशन के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।